हर बीतते दिन के साथ गाजा युद्ध भयानक होता जा रहा है, जहां इजरायली सेना और हमास लड़ाके एक दूसरे को जान से मारने को तारू हैं। उजड़ चुके शहर में इजरायली सेना और उनके बख्तरबंद टैंक दौड़ रहे हैं, वहीं खंडहर बन चुकी इमारतों में हमास लड़ाके घात लगाए बैठे हैं। बीते दिनों अल कसम और अल कुदस ब्रिगेड ने अपने ज्वाइंट ऑपरेशन की फुटेज जारी की थी, जिसमें लड़ाके छिपकर अपने टारगेट को उड़ाने की प्लानिंग करते हैं। फिर दोनों लड़ाके संकरी गली से गुजरकर पास में खड़े इजरायली टैंक पर हमला करते हैं। इसके बाद दोनों वापस मलबे वाले ठिकाने पर आकर जश्न मनाते हैं। समूह ने इससे जुड़े अब एक और ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दरअसल इसराइल हमास युद्ध की शुरुआत में गाजा के प्रतिरोध समूह अलग अलग इजरायली सेना पर हमला कर रहे थे, मगर पिछले कुछ समय से प्रतिरोध गुटों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब अलग अलग समूहों के लड़ाके एक सेना के सेनानियों के तौर पर इजरायली बलों पर हमलावर हैं। रेसिस्टेंस अब अपनी मूल प्रकृति के उलट यूनिफाइड लिबरेशन आर्मी की तरह व्यवहार करने लगे हैं। खास बात है कि लड़ाके मिलकर हमलों को अंजाम तो दे रहे हैं, मगर लड़ाके स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। ये घटना दक्षिणी गाजा के रफा और खान यूनिस और तेल अल हवा पड़ोस में साफ तौर से देखने को मिली है। ऐसा दावा है कि इस रणनीति से लड़ाके कई बेहतर तरीके से इसराइल को घेरने में कामयाब रहे हैं। इसका ही नतीजा है कि गाजा के जंगी मैदान में इसराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ये हानि सिर्फ सैनिकों के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि इसराइली टैंक और वाहनों को लेकर भी उठानी पड़ रही है। इससे इसराइल को खासा दबाव झेलना पड़ रहा है और उनके सैन्य खर्च में इजाफा होता जा रहा है। अगस्त 2024 को भी फिलिस्तीनी प्रतिरोध की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन का एक फुटेज शेयर किया गया। इसमें इस्लामिक जिहाद आंदोलन की मिलिट्री विंग अल कुदस ब्रिगेड ने इजरायली फौज को बड़ा झटका दिया। समूह ने रफा के केंद्र में अल शोबारा के रिफ्यूजी कैंप में अल जासिन 105 के साथ इजरायली वाहनों को निशाना बनाया। अल कुदस ब्रिगेड ने यह ऑपरेशन हमास की मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड के साथ मिलकर चलाया था। फुटेज में ध्वस्त इमारतों के अंदर से इजरायली वाहनों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। साथ ही एक इजरायली सैन्य वाहन को निशाना बनाते हुए दिखाया गया, जिसने हिट होने से पहले प्रतिरोध सेनानियों पर गोलियां चलाई थी। लड़ाके ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए इजरायली टैंक को उड़ा दिया। खास बात है कि टैंक से हमला करने वाला इजरायली जवान जब तक समझ पाता, उससे पहले ही लड़ाके ने एक ही वार में टैंक को आग का गोला बना दिया। इसके अलावा फुटेज में दोनों समूहों के कई लड़ाकों को शिविर में घुसते हुए इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों पर मोर्टार गोले दागते हुए भी दिखाया गया। वहीं अल कसम ब्रिगेड ने भी बताया कि लड़ाकों ने दक्षिणी गाजा में रफा के पश्चिम में ताल अल सुल्तान पड़ोस में अल जासिन 105 शेल के साथ एक मरकवा टैंक को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। लड़ाकों ने अल कादिसिया स्कूल के बगल में एक घर के अंदर एक इजरायली बलों की TBG शेल के साथ हमला किया। यही नहीं, लड़ाकों ने हथगोले और मशीन गनों का इस्तेमाल कर पॉइंट ब्लैक रेंज पर एक इजरायली विशेष बल इकाई के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इसके अलावा लड़ाकों ने रफा के पश्चिम में ताल अल सुल्तान पड़ोस में रेड हाउसिंग जंक्शन के पास सदमिया विस्फोटक उपकरण से एक D9 सैन्य बुलडोजर को निशाना बनाया।